आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आंकड़े हमारे, फैसला आपका, मैं आपका बहुत स्वागत है। बात अमेरिका की करेंगे। अमेरिका जहां पर फिर से ट्रंप की सरकार बनने वाली है, जनवरी में ट्रंप शपथ लेंगे। ट्रंप की जीत कई देशों के लिए शुभ संकेत है तो कई देशों के लिए खतरे की घंटी भी बताई जा रही है। आखिरकार ट्रंप को लेकर हलचल क्यों बढ़ गई है, क्यों मुस्लिम देशों में बेचैनी ज्यादा है, आखिरकार अमेरिका में दोबारा से ट्रंप की वापसी का मतलब क्या है। इसी बीच भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को ट्रंप ने दी है बड़ी जिम्मेदारी, क्या इससे भारत और अमेरिका के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। आज इन्हीं मुद्दों पर एक सर्वे हम लेकर आए हैं और ये सर्वे आप तक बताएगा, पहुंचाएगा कि क्यों और कौन कौन से वो मुस्लिम देश हैं जिनमें बेचैनी बढ़ी है। ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने से खाड़ी क्षेत्र के इस्लामिक देशों में हलचल तेज हो गई है। खाड़ी में जारी संघर्ष के बीच में सोमवार को सऊदी अरब में एक महत्वपूर्ण अरब इस्लामिक सम्मेलन किया गया। इसमें 50 से ज्यादा देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा सभी इस्लामिक देशों को इसराइल के खिलाफ एकजुट करना था। सऊदी अरब समेत कई देशों ने इसराइल के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग की। हालांकि इस बैठक में शामिल होने के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान नहीं पहुंचे। उन्होंने इसकी वजह अपनी व्यस्तता को बता दिया। इस सम्मेलन में सभी इस्लामिक देशों ने पहली बार लेबनन, गाजा, फिलिस्तीन में इसराइल की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई है। सभी देशों ने इसराइल के हमलों को तुरंत ही रोकने की अपील भी की है। यानी इधर ट्रंप का जीतना, उधर मुस्लिम कंट्रीज में बेचैनी बढ़ जाना, फिर ये मीटिंग बुलाना, ये सब कुछ क्या इंडिकेशन है, यही जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ डेटा आपके सामने रखना है। अरब मुस्लिम देशों की बैठक में क्या ट्रंप के जीतने के बाद ये बेचैनी बढ़ गई है, ये सवाल बहुत से अलग अलग तरीके से उठ रहे हैं और इन सवालों का मतलब क्या है, इनका मायने क्या है, एक एक करके हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। तो यहाँ बिग वॉल पर ग्राफिक्स जो आपके सामने आएगा वो बताएगा कि हलचल क्यों बढ़ गई है। अरब मुस्लिम देशों की बैठक क्या ट्रंप के डर से हुई है, ये बड़ा सवाल है। अरब मुस्लिम देशों की जो बैठक है क्या डोनाल्ड ट्रंप से डर के बाद हुई है। इसमें अरब मुस्लिम देशों की बैठक को लेकर अलग अलग रीजंस कहे जा रहे हैं। इसमें तीन ऑप्शन है, हाँ, नहीं या फिर कह नहीं सकते। अब इसमें क्वेश्चन का आंसर जो सर्वे में निकल कर सामने आ रहा है उसमें 52% लोगों का मानना है कि हाँ ऐसा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद ये डर और बेचैनी बढ़ गई है इसीलिए मीटिंग हुई। जबकि 48% लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि इधर ट्रंप जीते और उधर अचानक से बेचैनी बढ़ जाए, अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। जबकि 0% लोग ऐसे रहे, यानी कि ऐसा किसी ने नहीं कहा कि हम कह नहीं सकते, यानी 52% हाँ की तरफ इशारा करते हैं, 48% कहते हैं कि नहीं, हम इस बारे में ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं मानते। अब अगला सवाल आ जाइए जो इन दिनों बहुत तेजी से पूछा जा रहा है या फिर सामने आ रहा है, तो ये सवाल हमने भी पूछा। सवाल ये कि क्या ट्रंप सरकार मुस्लिम देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है, तो ये सवाल लेकर भी हम लोगों के बीच में गए, इसको लेकर भी बाकायदा हमने सर्वे किया। इसमें भी तीन ऑप्शन थे, हाँ, नहीं या फिर कह नहीं सकते, क्या वाकई ट्रंप सरकार मुस्लिम देशों के लिए चुनौती है। तो अब जवाब में क्या आया है ये परसेंटेज आपको बताएगा। ऐसा लगता है सर्वे में कि हाँ, लोग इस बात को मान रहे हैं कि ट्रंप सरकार जो होगी वो मुस्लिम देशों के लिए बड़ी चुनौती लेकर आने वाली है और इसीलिए 55% लोग कह रहे हैं हाँ ये चुनौती है और मुस्लिम देशों में इसीलिए बेचैनी है। जबकि 45% कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और किसी तरह की कोई बेचैनी है नहीं। और 0% लोग ऐसा कह रहे हैं कि यानी कि किसी ने इस पर रिएक्ट इस तरीके से नहीं किया कि हम कुछ कह नहीं सकते। दो ही इसमें ऑप्शन निकल कर सामने आए, एक वो जो कह रहे हैं ट्रंप सरकार मुस्लिम देशों के लिए चुनौती है और इन्हीं चुनौतियों से पार पाने के लिए उधर मीटिंग्स चल रही हैं, जबकि 45% लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, सबकी अपनी सरकार अपने देशों में चल रही है और ट्रंप यहाँ कोई चुनौती नहीं खड़ी करने वाले। अब तीसरे सवाल पर आ जाइए। तीसरा कौन सा बड़ा सवाल है जो इन दिनों ट्रंप के जीतने के बाद से चर्चा में है। ट्रंप के जीतते ही सऊदी अरब में क्यों लगा 50 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं का जमावड़ा, इसको लेकर लोगों की राय क्या है, ये हमने जानने समझने की कोशिश की। ऑब्वियस सी बात है, मुस्लिम देशों में अगर बेचैनी बढ़ी तो मुस्लिम नेताओं की बैठक भी इशारा करती है। इसमें कुछ ऑप्शंस हमने रखे। पहला ऑप्शन ये कि इसराइल के खिलाफ एकजुट होने के लिए क्या ये सब इकट्ठा हुए। दूसरा ऑप्शन रखा, ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश के तहत क्या ये सब इकट्ठा हुए। तो तीसरा ऑप्शन इसमें यह था कि कच्चे तेल का खेल इसके पीछे हो सकता है। और चौथा वही कि कुछ कह नहीं सकते, यानी कि इन सभी रायों से अलग अगर किसी की राय है तो।
अब सवाल जब पूछे गए तो उसमें जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो इशारा करता है ये 38%, यानी कि ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश इन सभी मुस्लिम लीडर्स की रही, यानी कि सऊदी अरब में ये जो 50 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं का जमावड़ा लगा है ये 38% लोगों का इशारा है कि ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए है। और ये तो नेचर वाइज हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी के दबाव में आने वाले हैं नहीं, जबकि 36% लोगों को लगता है कि ये कच्चे तेल का कोई खेल हो सकता है, जबकि सिर्फ 17% लोग ऐसा मानते हैं कि इसराइल के खिलाफ एकजुट होने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। इसराइल जो कि उधर गाजा में और इधर अब लेबनान में और फिर यमन में भी एक के बाद एक हमले किए, ईरान पर उसकी पूरी नज़र है, तो ऐसा इसराइल के खिलाफ एकजुट होने के लिए हुआ क्या, ऐसा सिर्फ 17% लोग मानते हैं, जबकि 9% लोग कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते कि ऐसा कुछ है। यानी अलग अलग सोच यहाँ पर अलग अलग तरीके से इन सवालों पर निकल कर सामने आ रही है, लेकिन अगर इसमें सभी के केंद्र में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं, उनकी जीत नजर आती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के साथ तौर पर जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। सबसे